तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गाइस हमारे चैनल पर सबसे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन और उसको ऑन कर ले ताकि आने नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले गाइस आपको मिले। तो जैसे कि कल के मैं बताया था एक वीडियो जो कि यूट्यूब पे मैंने बताया था, इस वीडियो को देख के आप कर लेना। इसका फोर्थ लूट ओवर हो गया, बाकी सारा लूट अभी वर्किंग है। फोर्थ फिफ्थ लूट ओवर हो गया, बाकी जितना भी सारा लूट है अभी वर्किंग है। तो कैसे क्या करना सारा प्रोसेस आप इस वीडियो में देख लेना। और दूसरी बात कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था BSW स्टेकिंग और पोजिशन स्टेकिंग, जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देखें वो देख लेना, अच्छा उससे आप अर्निंग कर सकते हो। तो गाइज उसके पहले आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो आइए कैसे ज्वाइन करना है सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर जैसे आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर ज्वाइन बटन का ऑप्शन है, ज्वाइन कर लेना। जैसे ज्वाइन होगा यहाँ पर बहुत सारा लूट बग ऑफर अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलते रहता है। जितना भी लूट बग ऑफर अपडेट मिलता है आपको सारा चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पर कवर करके दे देता हूँ। यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे छोटा मोटा जो मान लीजिए छोटा मोटा कोई भी ट्रिक हुआ, कोई अपडेट हुआ, तो मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो आइए चलते हैं कौन सा लूट मैं आज कवर करने वाला। तो इसके पहले आपको एक NFT मिला था गाइज, स्निक वाला NFT याद है कि भूल गए, ठीक है, रात के 3 बजे वाला। यहाँ पर देखो कौन सा कि कौन सा पोस्ट का, जो कि मैंने यहाँ पर 16 सितंबर को रात के 11 बजे के पेट दिया था और 3:30 में इसको क्लेम कर रहा था। तो जो लोग क्लेम किया, बहुत लोगों ने क्लेम किया, उसका प्रूफ मैं यहाँ पर आप देख सकते हो टेलीग्राम पे आके। इस जितना भी NFT इन लोग का सोल कितना वैल्यू है, कम से कम 50,000 से लेके 50,000 से कम से कम 15-20 लाख का ये माल है, ठीक है। जिन लोगों को लग रहा होगा अरे भाई क्या बोल रहे हो तुम, 25 लाख, हाँ आगे प्रूफ आपको दिखाएंगे कैसे सेल हो रहा है, कैसे मतलब सारा चीज़ हो रहा है आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं सारा बताया हूँ कि जो लोग क्लेम किए हैं उन्हीं लोग के लिए, और जो क्लेम नहीं किए उनके लिए भी है, मैं ठीक है दोनों का मैं दूंगा, बताऊंगा कि जो लोग को मिला है उनको कैसे सेल करना है, जो लोग नहीं मिला उनको कैसे कम प्राइस में बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बहुत लोग NFT मिला, आप कैसे सेल लगाना है, कैसे क्या करना है। तो ये गाइस यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दे दिया था कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे देते हैं कैसे वेरीफाइड करना है, कैसे चेक करना है कौन सा NFT रेयर है, कहाँ सेल करना है और कितने में सेल करना है, और सोल कहाँ से बाय करें, NFT कहाँ से कम प्राइस में बाय करें, ये सब सारा क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए बोल रही है खतरनाक, बहुत खतरनाक होने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ा अर्निंग होने वाला है, ठीक है। जिन लोगों को मिला इसलिए बोलते हैं गाइस एयर ड्रॉप को मिस मत करो, मत करो, पर जो लोग हल्के में लेते हैं वो ऑलरेडी हल्के में हो ही गए होंगे आज। जो भारी में उनको देखो NFT जो मिला है उसका प्राइस कितने में सेल हुआ, सारा चीज़ मैं कवर करूँगा। जिन लोगों को मिला है पहले अपना चेक करें ना, कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको एक लिंक मिलेगा, तो कैसे चेक करना है आपको मिला है कि नहीं मिला, पहले आपको एक लिंक मिलेगा डिजिटल आई करके, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपको मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, और कैसे सेल करना है, कैसे ये मतलब कि चेक करना है सारा प्रोसेस अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे चेक करना है। अगर आप किए हो तो आपको खुद मालूम होगा, वैसे मैं बता देता हूँ कि कैसे चेक करना है। यहाँ पे आओगे आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिजिटल आई मार्केट करके, ठीक है। इस पर आओगे यहाँ पर 3 डॉट पर टाइप करना, सेल पर टाइप करना, कनेक्ट वॉलेट पर टाइप करना, अपना सोल वॉलेट कनेक्ट करना जिससे आप कल उस दिन रात में 16 तारीख को बाय किए थे 3:30 बजे, ठीक है। तो अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना, वॉलेट कनेक्ट करके अनलॉक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट कर लेना, जैसे आपका ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा आपने बाय किया कि नहीं बाय किया, आपका यहाँ पर NFT शो करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको शो करने लगेगा, तो रुको या था तो वेट कर लो, घूम रहा है पूरा ये, ठीक है। यहाँ पे NFT आपको शो कर रहा है, तो यहाँ पे देखो गाइस NFT आपको यहाँ पे शो करने लगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप विन किए हैं, अगर आप क्लेम किए हैं तो आपको NFT मिला होगा। यहाँ पे मैं मुझे 2 NFT मिला है, ठीक है, ये 2-3 रेयर NFT है। ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया कि रेयर NFT कौन सा है और कौन सा नहीं है, फिर भी मैं आज बता देता हूँ रेयर NFT कौन सा है। तो देखो गाइस अगर आपको मिला है तो ये आपको देखो NFT जो मिला ये परसेंटेज के हिसाब से मालूम चलता है कि ये रियल मतलब ये सेल कितने पे होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ रियर वाला कौन सा है। तो देखो गाइस कैसे परसेंटेज पर चेक करना है, तो आपको तो पहले मैच करना है आपके पास कौन सा NFT है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वाला NFT है, ये वाला, ठीक है, डबल एरो वाला, उसमें रेनबो लगा हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको अपना वीडियो में दिखाया, ठीक है। अगर ये दो एरो वाला हो, यहाँ पर देखो ये वाला एरो हो, आप वीडियो पर पॉज करके देख सकते हो, इसका परसेंटेज यहाँ लिखा है 0.91 0.99, इस बेसिस पे आपको सोल लगाना है, ठीक है, सोल पे मतलब सेल लगाना है। तो इसको आप चेक कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक जगह सेव करो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ से आपको मालूम चलना है कि कितना सोल पर लगाना है, और भी लोग आगे भी लगा रहे थे मैं आपको बता दूंगा। अब देखो गाइस यहाँ पे आपने चेक कर लिया कैसे
आपको मिला है कि नहीं मिला है, और ये भी चेक कर लिया आपको रेयर एनएफटी कौन सा है कितना परसेंटेज है। अब दूसरी बात है कि सेल पे कैसे लगाना, इसको सेल पे पहले लगाना नहीं है, सेल पे ऐसे नहीं लगे, आपको पहले इसको लगाना होगा, इसको आपको पहले वॉच चेक करवाना, मतलब ये प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं गाइस, इसको पहले यहाँ पर टैप करोगे, इसको लिस्ट पहले करना है, ठीक है, वेरीफाइड करवाना है, वेरीफाइड होगा तभी आपका ये मतलब बिकेगा, अगर आपका वेरीफाइड होगा सोल मतलब ये एनएफटी तभी आपका बिकेगा। तो आपको वेरीफाइड कैसे करना, लिस्ट करना है कैसे, तो यहाँ पर आपको आपको अगर मिला है तब आप क्या काम करना, अगर आपको कितना है बेचना ये आपके ऊपर है गाइस, आप अगर चाहो तो आप इसको वन पे लगा सकते हो, पर वन पे लगाओ तो आपका आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है, ये समझ लो बात। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी एनएफटी है, जितना भी परसेंटेज वाला एनएफटी है, वो बस जो भी सेल हो रहा है, सोल हो रहा है, वो आपको कम से कम 40 सोल में सेल हो रहा है। अगर आप एक पे लगाओ ना तो आप अपना पैर भी कुल्हाड़ी मारोगे, सारे पे मारोगे, तो इसलिए एक पे मत लगाना, परसेंटेज देख के कम से कम 10 सोल के ऊपर ही लगाना। अब बहुत लोग बोल रहे हैं अरे भाई सोल ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, अरे भाई आज लगाए कल लगाए आपका कम से कम बिक ही जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं बिकेगा, बिक ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जितना भी आपको मिला, अगर आपको मिला है जितना मिला, तो मैं इसको 12 सोल पे 12 या 25 सोल पे लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 14 सोल पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने 14 सोल पर लगा दिया। अब ये ध्यान रखना है कि सोल को लगाने पे यहाँ पर आपको 0.1 का सोल लिस्टिंग फी चार्ज काटेगा, ठीक है, तो आपके वॉलेट में सोल होना चाहिए। तो आइए चलते चेक करते हैं कि मेरे वॉलेट में सोल है कि नहीं है। अब सोल कैसे बाय करना है ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे वॉलेट में सोल है कि नहीं है, तो यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं न्यू टैब खोल के, ठीक है। तो आपके वॉलेट में सोल होना चाहिए, आप सोल कितने का होना चाहिए गाइज, ये सोल कम से कम अगर 0.1 सोल का फी कट रहा है तो आपको कम से कम ऊपर ही रखना है, 10-15 हज़ार के ऊपर ही सोल रहा है, अगर एनएफटी अच्छा कमाना है तब। यहाँ पर देखो मेरे पास 1.166 सोल है, ठीक है। अब देखो गाइज कैसे आपको सोल बाय करना है, यहाँ से पहले अपना एड्रेस कॉपी कर लेना, ये एड्रेस कॉपी कर लेना, उसके बाद कुकॉइन खोलना, ठीक है, कुकॉइन खोलो, चाहे आप कहीं से भी ले सकते हो, बाइनेंस से लो चाहे कहीं से भी लो, ठीक है, तो बाइनेंस से भी ले सकते हो। बाइनेंस का फी कितना है आपको दिखा देते हैं पहले, बाइनेंस का फी ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे स्पोर्ट में आते हैं, सर्च में आते हैं और सोल यहाँ लिखते हैं, ठीक है, सोल आ जाएगा, यहाँ पर ड्रॉ पर टाइप करते हैं और यहाँ पर देखो कितना फी है, यहाँ पर आप देखो नीचे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ 0.1 फी है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रस्ट वॉलेट में खोल के कि 0.1 सोल का कितना बन रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही कहीं से बाय मत कर लेना, पहले चेक कर लेना, ठीक है, तो 0.01 यहाँ पे 113 का लग रहा है, ठीक है। अब कुकॉइन पे चलिए चेक करते हैं कितना लग रहा है, कुकॉइन पे आते हैं और यहाँ पे एसेट पर टाइप करते हैं, विड्रॉ पर टाइप करते हैं, आपको यहाँ मिनिमम 0.02 सोल विड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ भी वही सेम फी है। आप बाइनेंस से करो, यहाँ देखो नीचे आपको दिख रहा होगा, बाइनेंस से करो क्या चाहे कुकॉइन से करो, तो बाइनेंस से करो चाहे कुकॉइन से करो ये आपका मर्जी है। यहाँ से इसलिए आप यहाँ से उन लोग कर सकते हैं जिनका बाइनेंस में केवाईसी नहीं है, और यहाँ पे केवाईसी का झंझट नहीं है, फेक केवाईसी ऐड करो और यहाँ P2P करो और यहाँ से आप डायरेक्ट उसमें भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको कितना फी लगेगा, उसके हिसाब से ही बाय करना, कुछ ज़्यादा ही बाय करना ताकि आपको प्रॉब्लम है, दोनों तरफ से बात कर बाय कर सकते हो, बाइनेंस से कुकॉइन से कहीं से बाय करके रखो, ठीक है। अब मान लो आपने बाय कर लिया, अब यहाँ पे डिजिटल आई में करना क्या है, यहाँ पे आपको पहले ना अप्रूव करवाना होगा, ठीक है, अप्रूव करवा लेना, अप्रूव करवाने के बाद आपको यहाँ पे तब आपके एक दूसरे वॉलेट पे जाकर वहाँ पर सेल होगा। हमें आप अनलॉक कर दिए, अब अपना चेक कर लेते हैं एनएफटी, उसको आप मान लो अपना सोल मंगा लिए, तो मान लो अपना सोल मंगा दिया, अब इसको लिस्ट करना है, ठीक है, कैसे करना है, रेयर अपना रेयर चेक कर लेना कितना एनएफटी में ये सोल हो रहा है, सेल हो रहा है। अब इसको मैं आपको लगाता हूँ 14 ये सोल में, अब यहाँ पे लिखा नहीं, दिस इज अनवेरीफाइड एनएफटी इफ्ट अपीयर, मतलब कि अभी वेरीफाइड नहीं है, तो वेरीफाई होने में कम से कम 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है, 24 घंटे में वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद आपका ये एनएफटी वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अब देखो लिस्ट दिस एनएफटी फॉर 14 सोल, इस पर टैप करते हैं और 0.1 का आपका फी कटेगा, 0.01 का आपका फी कटेगा, यहाँ पर हम अप्रूव कर लेते हैं, आपके सोल वॉलेट में आपका बैलेंस होगा तभी यह बैलेंस कटेगा, नहीं तो नहीं आपका कटेगा, 0.01 आपका सोल कट जाएगा। यहाँ पे
अप्रूव होने दो। बहुत लोग ये गोल गोल घूमता है उसके बाद कैंसिल हो जाता है, उसके बाद रिफ्रेश करके चेक कर लेना आपका सोल हो जाएगा। यहाँ पर देखो अभी रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ पर मेरा सोल कट गया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरा सोल कट गया होगा, मैं नीचे देखो, यहाँ पर देखो मेरा सोल कट गया ना, ठीक है, यहाँ तो मेरा सोल कट गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ, देखो मेरा अभी लिस्टिंग हो रहा है, वेट कर लो। देखो अगर आपका ऐसा लिखिएगा समथिंग रॉन्ग, आप कुछ टेंशन मतलब आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, कैंसिल करो लिखिए और यहाँ पे आप होम पे आओ, ठीक है। होम पे आने के बाद थ्री डॉट पर टाइप करो, फिर सेल पे आओ, ठीक है। सेल पे आओगे तो आप यहाँ अपना चेक कर लेना, NFT आपका लिखेगा ऊपर में, योर NFT हैज सोल, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पर आपका NFT यहाँ पर लग गया, लिखा ना वहाँ पे योर लिस्टेड NFT 14 सोल पे। अब देखो दूसरी बात, इस पर आप जब टाइप करो तो यहाँ लिखिएगा आप अनवेरीफाइड, ऊपर में भी लिखेगा अनवेरीफाइड। इसका मतलब ये है कि आपका जो सोल है अभी अंडर रिव्यू में है और रिव्यू होने में 24 से 48 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये समझ लिया। अब देखो यहाँ से जब आपका रिव्यू हो जाएगा उसके बाद सेल सोल कहाँ सेल करोगे, ठीक है। जैसे ये अप्रूव हो जाएगा 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद अप्रूव होने टाइम लगता है, ठीक है। इनका इनका अप्रूव हो जाएगा, जैसे अप्रूव हो जाएगा तो आपको एक और मैं लिंक दूंगा जहाँ ये, ठीक है, लिंक को कॉपी करोगे, लिंक को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे एक दूसरा पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे NFT सेल हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे NFT लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, इतने बारीकी में आपको कोई नहीं बताएगा गाइस, डायरेक्ट आपको बोलेगा कि हाँ चलो गाइस इस पर टैप करो, व्यू वेरीफाई करो और वहाँ पर सोल सेल कर दो। इसलिए मैं मतलब इसलिए मैं आप डिटेल में बताऊँ ताकि यहाँ पर मेरे पास जो भी मेंबर न्यू मेंबर है यहाँ पर आपको लिंक देंगे, दोनों का लिंक मैं दे दूँगा। पहला जो लिंक होगा वहाँ पर आपको वेरीफाई करवाना है, चेक करना है, वेरीफाई करवाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिस्ट करवाना है। अब दूसरा जो यहाँ पर सेल करना, अगर आपका लिस्ट हो गया तब उसके बाद वॉलेट से कनेक्ट कर लेना, जैसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है, ये कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर टैप करके अनलॉक कर लेना, उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा आपका ये वॉलेट। जैसे वॉलेट कनेक्ट हो जाए आपका यहाँ पे एड्रेस शो करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका एड्रेस शो करने लगा। अब देखो कैसे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे टॉप वाला पे टाइप करना है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे थ्री डॉट पर टाइप करना और यहाँ पे माई वॉलेट पर टाइप करना। जब आपका लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। जब आपका ये लिस्ट होएगा तो आपका यहाँ पे शो करने लगा ऑन सेल में, आपका यहाँ पे 14 सोल में आपका NFT लगा। तो मैं अभी तुरंत लगा तो अभी इतना जल्दी लिस्ट नहीं होगा, तो टाइम लगेगा। मान लो आपको जब लिस्ट हो गया, अब क्या करना है, मान लो आपका लिस्ट हो गया यहाँ पे आपका NFT आएगा, अब सेल पर लगाना, इस पर टाइप करके 16-15 सेल में ऑटोमेटिक आपका लग जाएगा, ऑन सेल में आ जाएगा, ठीक है। जब आपका सेल में लग जाएगा यहाँ पे एक्सप्लोर में आकर आप चेक कर सकते हो अपना NFT सेल में लगा कि नहीं लगा, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत लोग ये स्नीक वाला NFT लगाएं, कितने में लगाएं ये भी आप देख लो, ठीक है। यहाँ पर जितना भी लगाएं उनका सेल हो रहा है आराम से, इजी इस तरह से सेल हो रहा है। तो आइए चलते चेक करते हैं कितने में, यहाँ तो कोई ये 300 सोल में लगाया है गाइस, समझ लो 300 सोल में लगाया है, ठीक है। यहाँ 50 सोल, 4.5, 20 सोल, 20 सोल, 12 सोल, इतना में आपने लगाया, सब सारे बंदे हैं, ठीक है, बहुत लोगों को मिला है। और ये जो मेरे पास जो सोल है ये वाला देखो, इस बंदा ने जो लगाया हाँ ये 50 सोल में लगाया है, ठीक है। ये वन वाला है, ठीक है, ये 50 सोल में लगा, बहुत लोग अपना अपना लगाए। यहाँ से आप बाय भी कर सकते हो, अगर आपको बाय करना है, कम रेंज का बाय करना है, तो आप यहाँ पे एक काम करना, यहाँ पे आना, यहाँ पे वन लिखना, ठीक है, और यहाँ पे नीचे है यहाँ पे लिखना वन, ठीक है, वन लिखेगा। और जो भी यहाँ पे जो भी वो लोग हैं जो पेटीएम लूटर्स होते हैं, उन लोग का NFT मिल गया, मतलब नहीं है NFT का मतलब होता क्या है, तो वो लोग लगाए सेल पे। तो यहाँ तक 1.95 पे सोल पे लगा दिए आप, इनका बाय करके, और ये आप कम से कम 4-5 सोल पे लगा सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर, आपको बाय करना है कर सकते हो, ये मैं कोई फोर्स नहीं करूँगा, आपको बाय करना तो यहाँ से बाय कर सकते हो, जो 1.99 में बेच रहा है, और आपको बाय करना तो बाय करके आप कम से कम 10-15 सोल पर लगा के सोल करके सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये बाय करना, बाय कैसे करना, इस पर टाइप करना, आपके वॉलेट में पहले सोल होना चाहिए तभी बाय होगा। यहाँ पे आप पे टाइप करना और यहाँ पे आपके वॉलेट में होगा, ऑटोमेटिक ये सोल बाय हो जाएगा। यहाँ तो बाय करके फिर से लिस्ट कर लेना, समझ गया सारा प्रोसेस पहला में। तो देखो भाई कुछ बंदे का सेल भी हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखो एक बंदे का सेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने में सेल किया, ये बोला 4 सोल में सेल किए, पर इसको मैं बहुत डाटा बोला अरे इसको सेल ना करो, पर लोग मानते कहाँ यार। यहाँ पे देखो लिखा जाए कि स्नीक NFT पैनिक सेल, ठीक है। तो ये लोग सेल कर रहे हैं तो ये लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। तो इतना जल्दी सेल करने की क्या जरूरत था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो NFT मिला है, ये जो मिला यहाँ से टाइप करेगा और यहाँ से इसको बाइनेंस में भेज के कहीं से भेज के विड्रॉल कर लो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको समझ गया कैसे क्या करना है, और गाइस जैसे ही आपको अगर मिल जाए तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो, ठीक है। दूसरे बंदे का मतलब इसी चैट ग्रुप हमारे चैनल मेंबर का है, ठीक है। तो पैनिक सेलर है, ये लोग सेल कर दिए, कोई बात नहीं, जिसका वैल्यू 14 सोल है, 15 सोल का था, ठीक है। आप चाहो तो डिजिटल, ये जो मैं आपको बताया हूँ
डिजिटल से भी कर सकते हो। एक मिनट अपना फ्लाइट मोड ऑन करने दो। आप चाहो तो यहाँ आपका डिजिटल वाला से भी सेल हो सकता है, और आप चाहो तो वहाँ से भी, दो तीन जगह सेल हो रहा है। मैंने आपको दोनों वाला बता दिया, आपको बताया डिजिटल वाला बताया, और आपको ये सोला नाट वाला बताया, ठीक है। यहाँ से भी सेल कर सकते हो, और आप डिजिटल आई से भी सेल कर, आप ये आपके ऊपर आप कहाँ से सेल करो। अगर यहाँ सेल हो जाए तो यहाँ लगा दो, यहाँ सेल हो तो कोई एक जगह पर लगाना, कोई दो इन जगह दोनों जगह पर लगा दो। आप यहाँ सेल हो तो यहाँ पर लगा दो, और वहाँ सेल हो तो वहाँ पर लगा दो। तो मैंने कहाँ लगाया, मैंने डिजिटल आई में लगाया, यहाँ पर मेरा सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल हो तो कहीं भी सेल हो आपको सोल में बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से चेक करवा देता हूँ, ठीक है। आप कनेक्ट करके तो यहाँ पे मेरा भी सोल पे ये वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये जब अप्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सेल पे लग जाएगा। तो यहाँ पे टैप करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा लगा हुआ है, ठीक है। नीचे में 1400 में मैंने लगाया है, ठीक है गाइस, 1400 में लगाया। और यहाँ पे जब सेल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मेरा ये सोल में आ जाएगा। इसमें मैंने डिजिटल आई में लगाया, ठीक है। आपको लगाना हो तो आप कहीं भी लगा सकते हो, दो तीन जगह सोला नाट पर भी लगाओ, चाहे यहाँ पर लगाओ, ठीक है। दो तीन जगह आप यहाँ लगाओ चाहे वहाँ लगाओ, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जब सेल हो जाएगा तो आपका बैलेंस सोल में आ जाएगा। चलिए, यही गाइस मैं अपडेट दिया था, मैंने बताया कि कैसे वॉच वॉलेट में आपको अप्रूव करवाना है, और दूसरा में आपको सेल कैसे करना है। जब अप्रूव हो जाए तो यहाँ से सेल कर सकते हो। तो गाइस कम प्राइस में कभी सेल मत करना। अब दूसरी बात, एक और मैं आपको लिंक दूंगा जिसका बॉट का लिंक होगा डिस्कॉर्ड में, वहाँ खुद चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा NFT सेल हो गया है। तो जितने भी अभी सेल पर लगाए कौन कौन से NFT सेल हो गया है, तो बॉट में आओगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, इसमें ज्वाइन हो जाए। ज्वाइन होने के बाद नीचे होने के आप देखो यहाँ पे बहुत डिस्कॉर्ड का लिंक है, इन ऑफिशियल डिस्कॉर्ड लिंक है, ठीक है। इनके अनाउंसमेंट भी चेक कर सकते हो, कौन कौन से NFT सेल हुआ है आप यहाँ पे आकर देख सकते हो। यहाँ पे सेल का ऑप्शन होगा, तो ऊपर में सेल का ऑप्शन होगा, नीचे चेक करोगे और यहाँ देखो कौन कौन से NFT सेल हुआ, कितने में, 1.52 में ये NFT सेल हो गया, 1.90 में सेल हो गया, 2.5 में सेल हो गया है, और यहाँ 2.5 सोल, ठीक है। समझो कि अभी सोल का वैल्यू कितना है, मान लो कि $150, $300 में सेल हो गया। यहाँ पे देखो 6 सोल में बाय हुआ है, यहाँ पे कितना हाईएस्ट, अब मैं चेक करके आपको बताता हूँ। तो अभी हाईएस्ट मिल नहीं रहा है, देखिए ये गलती आप ही लोग की वजह से हो रहा है। दो तीन सौ सोल पर लगा दे रहे हो और आपका सेल हो जा रहा, जो बंदे 25-20 सोल पर लगाए ना उनका कभी सेल नहीं हो, क्योंकि एक दो सोल पर तो फ्री में मिल जा रहा है, तो कौन बाय करने जाएगा 25 और 20 सोल में। इसलिए बोल रहे हैं गाइस कि आपके ऊपर है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो। ये देखो क्या दो सोल तीन सोल ही, क्या मजाक कर रहे हो यार तुम लोग। ये तो इतना बड़ा कभी लूट आता नहीं, या लूट आता भी है तो आप लोग उसमें कुछ ना कुछ कचड़ा करने लगते हो। यहाँ पर तो 1.7 सोल में ही बेच दिया, ये कौन सा मतलब। अगर ये 1.7 सोल में नहीं बेचता ना, इसके वैल्यू कम से कम 20 से 22 सोल में आराम से इजी में सेल हो जाता। यहाँ पर देखो 8.5 में ये सेल हो गया, जिसका वैल्यू कम से कम 22 सोल का वैल्यू है, ये बंदा 8.5 सोल में बेच दिया। तो अब ये 8.5 में बेच दिया, तो अब ये दूसरा बंदा लगाया होगा 22 सोल में, तो 22 सोल कोई नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए आप कम प्राइस में मत बेचो, अपना गलती कर रहे हो बार बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर बहुत लोग कम प्राइस में सेल करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको तुरंत पैसा चाहिए, ये कौन सा मतलब है। अब देखो यहाँ पे 1.5 में बेच दिया, एग्जांपल ले लो 1.5 में बेच दिया, ठीक है। अब मैं लगाया हूँ 10 सोल में, तो मेरा तो नहीं बिकेगा, जिसका कम प्राइस में वही बिकेगा। अगर आप लोग यूनिटी बना कर रखोगे ना चैट ग्रुप में, तो बस आप लोग को ये इधर का उधर लिंक शेयर करना है, चैट ग्रुप में यूनिटी बनाओ, एक दूसरे से कंसल्ट करो कि आप कितने बेच रहे हो, मैं कितना बेच रहा हूँ, तभी आपका सोल अच्छा से सेल होगा, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, और भी चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे आप नीचे आओगे अपना NFT खुद चेक कर सकते हो, आपका NFT कितना प्राइस में कितना सेल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अपना डाल के स्नीक हैशटैग डालोगे आपका सारा चीज़ खुल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर खुद चेक कर सकते हो। अब दूसरी बात की गई जी, यहाँ पे ये इनका ऑफिशियल बोट है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए सारा प्रोसेस। अभी भी कोई आपको प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हो डायरेक्ट कि भैया ये नहीं समझ में आ रहा कैसे सेल होगा। ये उन लोगों के लिए है जो लोग रात में 3:30 बजे उठ के अपना नींद खराब करके ये सोल बाय किए थे, ठीक है, उन लोगों के लिए है। और जिनको बाय कर सकते हो, देख ही रहे हो कि एक एक दो दो सोल में मिल रहा है, आपको बाय करना तो कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि बाय करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही लोग मार्केट को डाउन करके रख दिया है एक दो दो सोल में बेच के, ठीक है। तो आप लोग अपनी गलती मत करना। अब देखो गाइस, एक दूसरे को समझाओ कि नहीं बेचने के लिए, और चैट ग्रुप जो यहाँ पर जो चैट ग्रुप बना हुआ है ना, यहाँ पर एक यूनिटी लाओ, ठीक है। मैंने क्या, देखो यहाँ पर यूनिटी लाओ तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है, यहाँ पे यूनिटी लाओ। और दूसरी बात कि यहाँ पे एक दो केवल लिंक डालते हो और कुछ नहीं करते हो आप लोग, यहाँ पे आप लोग अपने बात करोगे तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पे गाइस देखो,
मैं और भी लूट यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट दे रहा हूँ, और जो भी सोल का रिलेटेड हो आप हमसे पूछ सकते हो, और ऐसा बारीकी में कोई भी यूट्यूबर कोई भी टेलीग्राम और एडमिन आपको नहीं बताएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डायरेक्ट पूछो, अब मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो अगर यहाँ पर आपको बाय करना है तो बाय भी कर सकते हो, यहाँ पर आकर 1-1 डाल के और यहाँ पर बाय कर सकते हो। तो आपके अकाउंट में पहले सोल्ड होना जरूरी है, ठीक है, आपका बैलेंस यहाँ मिले चेक करने का होगा। और अभी तक देखो कितना आइटम अभी तक लगा हुआ है और कितना क्या है, सारा प्रोसेस आप देख सकते हो। जितना भी निफ्टी है ये एक तरह का सेल करने का एक पेज है, ठीक है। अभी जब आपका ये अप्रूव हो जाए तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रूव आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा ऑन सेल में, ठीक है। अभी आया नहीं है तो मेरा अभी लगा हुआ है, आज ही तो लगा है, आज इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस इतना ही सारा अपडेट है जो कि आपके मैं आपको मैं बताया, और कोई भी दिक्कत हो हमसे डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक कर देना गाइस।